तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IDBI बैंक के स्टॉक के बारे में। IDBI बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार पहले क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया इसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.90% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आज ही गिरावट था हमको यहाँ पर स्टॉक का बड़ा ब्रेकडाउन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर 65.85 के लेवल पर स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट था जिसको आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 62.30 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 59.30 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 56.60 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 54.20 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 65.85 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 73.35 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 80 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 85 और 90-95 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट है पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।